प्रोफेशन सुधा मौर्या फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि आजकल ट्रेंड हो चुका है वर्क फ्रॉम होम, जब स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम हुआ था तो सभी लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा था कि आखिरकार अब थोड़ा घर पर भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब वर्क फ्रॉम होम को इतना ज्यादा टाइम हो चुका है कि आप लोग खुद ही वर्क फ्रॉम होम से उब चुके हैं, साथ में आपकी बॉडी भी उब चुकी। मीन्स अब आपकी बॉडी ने भी बोल दिया है कि चलो भाई अब थोड़ा फिजिकली एक्टिव भी हो लिया जाए। बट वर्क फ्रॉम होम तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ही ऐसी चल रही है इस पेंडेमिक में, सभी लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मोस्ट ऑफ का टाइम। इसीलिए मेरे पास काफी ज्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं वो होते हैं वही जिनका वर्क फ्रॉम होम होता है, उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि हम हमेशा से हेल्दी थे बट इस टाइम हमारा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो जिनका जो बेसिक रीजन होता है वो होता है वर्क फ्रॉम होम। जब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो आप लोग सुबह आराम से लेजीनेस के साथ उठते हैं, लेजीनेस के साथ सोते हैं और दिन भर अपना वर्क करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो स्नैक्स ईटिंग करते हैं, लाइक पॉपकॉर्न खाते हैं, लाइक आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नेचोस खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो आप लोगों ने वो वर्क फ्रॉम होम को भी मूवी का टाइम ही समझ लिया है। अगर आप लोग वर्किंग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम में अपने लैपटॉप पर बैठे हैं, अपने ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, तो भी आप लोग स्नैकिंग करते रहते हैं। बट स्नैकिंग करना बहुत अच्छी बात है, बट जो आपकी स्नैकिंग होनी चाहिए वो आपकी काफी हेल्दी होनी चाहिए। स्नैकिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वैसे भी फुल डे में 5 to 8 meals जरूर इंटेक करनी चाहिए, ताकि आपका जो स्टमक है वो खाली ना रह सके और आप लोग भी फ्रेश फील करें, एनर्जेटिक फील करें। और वर्क फ्रॉम होम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होती है लो फील करना। उसका जो बेसिक रीजन होता है ये है कि जब आप लोग लेट नाइट सोते हैं और मॉर्निंग में लेट उठते हैं, क्योंकि आप लोग को कहीं जाना नहीं है इसलिए आप लोग काफी लेट मॉर्निंग में उठते हैं। अगर आप लोग लेट उठेंगे, रात में लेट सोएंगे, तो आप लोग की जो बॉडी होगी काफी लेथार्जिक फील करेगी। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए काफी सारी अच्छी अच्छी टिप्स लेकर के आई हूँ, जो कि मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और खासकर उन लोगों के लिए जो लेथार्जिक फील करते हैं, जिनका वेट गेन हो गया, उसमें काफी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो काफी ज्यादा वेट पुट ऑन कर चुके हैं इस वर्क फ्रॉम होम के टाइम पर, क्योंकि मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम है, उनका काफी ज्यादा वेट पुट ऑन हुआ है। इसलिए खास तौर पर मैं उन्हीं के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। इससे मैं ऐसे कुछ ऐसे सिंपल सिंपल टिप्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा चेंज अपनी लाइफ में लाना है और आप लोग की लाइफ में बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो उसमें जो सबसे पहला है वो ये है कि आप लोगों को मॉर्निंग में जल्दी उठना है। मीन्स आप लोगों को मॉर्निंग में, जब भी अगर आपका 9 बजे से ऑफिस है या 10 बजे से ऑफिस का टाइम है, मीन्स लैपटॉप का आपके टाइम है, तो फिर आप लोग को मॉर्निंग में 6 o'clock पे उठना है, क्योंकि अब विंटर्स भी लगभग खत्म हो चुके हैं और अब आप लोग भी रजाई छोड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। सो आप लोग को मॉर्निंग में 6 बजे उठ के सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोग को 2 glass lukewarm वाटर का इंटेक करना है, और उसके साथ ही में आप लोगों को कोई अच्छी सी टी लेनी है, मीन्स कोई हर्बल टी, ना कि मिल्क टी लेनी है। क्योंकि आप लोग जब लेट उठते हैं तो सुबह उठते ही आप लोग मिल्क टी लेते हैं, बट अब आप लोग को मिल्क टी नहीं लेनी है, सुबह उठते 2 glass lukewarm वाटर एंड जीरा टी। जीरा टी जो होगी वो आप लोग को काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जीरा में काफी ज्यादा एनर्जी पावर होती है, काफी ज्यादा आप लोग को वो एनर्जी आपकी बूस्ट कर देती है, आपका स्टेमिना बूस्ट करती है। सो आप लोग को मॉर्निंग में उठते ही जीरा टी लेनी है, और जीरा टी लेने के बाद में जो आप लोग को फिर उसके बाद सबसे पहला काम करना है वो है आप लोग की जॉगिंग, वॉकिंग या एक्सरसाइज। आप इसमें तीनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप लोग जिम जाना चाहें तो जिम भी जा सकते हैं, बट आप लोग को इसमें से कोई 3 options तो लेने ही है अगर आप लोग जिम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे आप लोग काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और जो भी आपकी कैलोरीज होंगी वो बर्न होंगी। साथ में जब आप लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो काफी स्ट्रेस आउट रहते हैं, क्योंकि जब वर्क फ्रॉम होम रहता है तो उसका एज सच कोई टाइम नहीं होता, आप लोग को कभी भी किसी भी टाइम बैठे रहना होता है, वो भी एक ही पोजिशन में बैठे रहना होता है। इसलिए जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे या मेडिटेशन करेंगे तो आप लोग का जो ब्रेन होगा एकदम फ्रेश हो जाएगा। इसलिए अब आप लोगों को मॉर्निंग में जीरा टी लेने के बाद में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, और फिर इसके बाद में जो आप लोग को ऑप्शन में हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है वो होगा आप लोग का, या तो आप लोग सोक्ड, आप लोग ओवरनाइट सोक्ड आप लोग ओट्स ले सकते हैं, या तो आप लोग ब्रेकफास्ट में कोई भी चीला ले सकते हो, उत्पम ले सकते हैं, वेज इडली ले सकते हैं, इडली सांभर ले सकते हैं, कोई भी हेल्दी ऑप्शन आप लोग को चूज करना, ताकि आप लोग फुल डे एनर्जेटिक फील करें, क्योंकि जब आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होगा तो आप लोग खुद को फुल डे एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके बाद जब आप लोग का 11 o'clock होगा, 11 o'clock पे आप लोग थोड़ा बहुत लेजी फील करने लगेंगे, क्योंकि 9 to 11 में ही आप लोग काफी ज्यादा लेथार्जिक फील करेंगे, तो उसके लिए आप लोग को ब्लैक टी लेनी है। मीन्स आप लोग को ब्लैक टी लेने के बाद में, या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी आप लोग उसमें कुछ भी ले सकते हैं, साथ में आप लोग उसमें लेमन स्क्वीज करना है आप लोग की, ताकि आप लोग की जो फटीक फील हुआ है वो आप लोग फिर से आप लोग एनर्जेटिक फील कर सके। और 11 o'clock के बाद में आप लोग को 12:30 पे अपना सैलेड लेना है, मीन्स आप लोग को स्प्राउटेड सैलेड लेना है। स्प्राउट में आप लोग मूंग स्प्राउट ले सकते हैं या चना का स्प्राउट ले सकते हैं, विद वेजीज ले सकते हैं, ये आपको काफी हेल्दी ऑप्शन रहेगा और काफी ज्यादा आप लोग को फाइबर इंटेक करेंगे, तो जो आप लोग की लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो आप लोग को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। और आपको लंच में जो लेना है वो है 1 o'clock पे आपको अपना लंच लेना है। लंच में आपको 1 bowl दाल, 1 bowl राइस, 1 bowl एनी सीजनल वेजिटेबल विद 1 roti।
आप लोग अगर अपना वेट लॉस करना चाहते तो आप लोग ज्वार की रोटी ले सकते हैं, या बाजरा की रोटी रोटी ले सकते हैं, या आप लोग ओट्स की रोटी ले सकते हैं। काफी हेल्दी ऑप्शंस होते हैं क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए आप लोग इन्हें अडॉप्ट करेंगे तो काफी ज्यादा हेल्दी ऑप्शन रहेगा। और अब मौसम ठीक हो चुका है इसलिए आप लोग कोई भी रायता भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये तो बात रही लंच की। अब आप लोग को काफी ज्यादा 1 बजे लंच लेने के बाद में 3 o'clock पे काफी ज्यादा आप लोग लेथार्जिक फील करने लगते हैं, तो उसके लिए अगर आप लोग कुछ लेना चाहते हैं तो वो आप लोग ले सकते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी आप लोग को लेनी है, वो भी विद लेमन लेनी है, ताकि आप लोग का जो डाइजेशन हो, मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। और रही बात इवनिंग स्नैक की, तो आप लोग इवनिंग स्नैक में ले सकते हैं वो है पीनट चाट या मखाना चाट। आप लोग को काफी हेल्दी ऑप्शन रहेगा। बहुत ही जल्द मैं आप लोग के सामने मखाना चाट की रेसिपी लेकर के आऊंगी और उसे देखिएगा कि कितनी आसान है वो रेसिपी और कितनी टेस्टी रहती है। इस चाट के साथ में आप लोग को जो लेना है वो लेना है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो होता है वो आप लोग की बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, क्योंकि फुल डे आप लोग को 7 o'clock पे जो लेना है वो है आप लोग का सैलेड। सैलेड लेने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फुली फिल रहते हैं, ताकि आप लोग अपने आपको काफी ज्यादा हेल्दी फील कर सके। इसलिए आप लोग को दोनों टाइम अपनी डाइट में सैलेड जरूर इंक्लूड करना। बट हाँ, इवनिंग में आप लोग को जो सैलेड लेना है वो होगा कैरेट, बीटरूट एंड कुकुम्बर। और आप लोग को जो अपने डिनर भी लेना है वो काफी हेल्दी ऑप्शन लेना है। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो आप लोग कोई भी एग सैलेड ले सकते हैं, मीन्स आप लोग ब्रोकली सैलेड ले सकते हैं, उसमें एग को इंक्लूड कर सकते हैं, या आप लोग एग करी के साथ में 1 रोटी ले सकते हैं। रोटी आप लोग ओट्स रोटी ले सकते हैं, नॉर्मल रोटी भी ले सकते हैं। बट अगर आप लोग वेजिटेरियन है तो आप लोग किनवा सैलेड ले सकते हैं, या आप लोग कोई भी सब्जी एक रोटी ले सकते हैं, जो भी आपकी सीजनल वेजिटेबल होगी वो ले सकते हैं, साथ में एक रोटी ले सकते हैं। और इसके बाद में जो आप लोग को लेना है वो होगा आपका 1/2 glass milk। अपने डिनर के 1/2 hours के बाद में आप लोग को अगर जो लेना है वो आप लोग को 1/2 glass milk लेना होगा, वो भी विथ जैगरी लेना होगा, ताकि आप लोग को जितनी भी फुल डे में जो थकान लगी हो वो आप लोग की दूर हो सके। इसलिए आप लोग अपनी डाइट में 1/2 glass milk विथ जैगरी जरूर से इंक्लूड करना है। और हाँ, सोने से पहले जो आप लोग को लेना है वो है चमोली टी। चमोली टी बहुत ही इजिली बन जाती है। ये एक फ्लावर से बनती है, जो कि या तो आप लोग ऑनलाइन भी चमोली टी का जो पाउडर आता है चमोली का, वो आप लोग परचेस कर सकते हैं। चमोली टी का जो बेनिफिट होता है वो ये है कि आप लोग जिनको भी रात में नींद नहीं आती है वो लोग चमोली टी ले सकते हैं, जिससे आप लोग को रात में काफी ज्यादा अच्छी नींद आती है। इसलिए आप लोग अपनी डाइट में नाइट की शिफ्ट में जरूर से चमोली टी को इंक्लूड कीजिए। इससे आप लोग को बहुत ही अच्छी नींद आएगी, क्योंकि फुल डे स्ट्रेस आउट रहने के बाद में आप लोग को चमोली टी की काफी ज्यादा नीड है। सो इसे जरूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, किस तरह आप लोग का वेट लूज होता है। सो इस टिप्स को फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।